हेलो बच्चों, कैसे हो? लास्ट पार्ट में हमने चैप्टर 4 देखा था, उसके 4.1 और 4.2 के क्वेश्चन किए थे और सारी थ्योरी पार्ट पढ़े थे, जिसमें हमने क्या क्या पढ़ा था? बिंदु बिंदु ऐसे, रेखाखंड, रेखा, किरण और वक्र के बारे में पढ़ा था कि कैसे वक्र बनते हैं, बंद बंद वक्र और खुला वक्र, ये देखा था हमने। फिर हमने बहुभुज देखे थे, बहुभुज की आकृतियाँ देखी थी और फिर उसके बाद में प्रश्नावली 4.2 की थी, उसमें खुला वक्र और बंद वक्र देखा था। फिर हम कोण के बारे में पढ़ा था, कोण दो भुजाओं के काटने से जो कोण का निर्माण होता है उसे हम कोण कहते थे। और आज हम प्रश्नावली 4.3 देखेंगे, इसके कुछ क्वेश्चन करेंगे, तो आपके माइंड में सारे जो कॉन्सेप्ट है ना वो क्लियर हो जाएंगे कि हमने इसके किसके कोणों के बारे में क्या पढ़ा। और जब हम क्वेश्चन करेंगे ना तो सारी चीज़ें हमको समझ में आती जाएगी। करें फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट, नीचे दी हुई आकृति में कोणों के नाम लिखिए। अब देखो, हमको सिर्फ कोणों के नाम लिखने हैं। अब ये देखा जाए तो ये एक तरह से चतुर्भुज है, अब हमको इसमें कोणों के नाम लिखने हैं। तो अगर मैं देखूं तो मेरे कितने कोण बन रहे हैं? चार, ए कोण, बी कोण, सी और कोण डी। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? कोण ए ऐसे, कोण बी, कोण सी और कोण डी। लेकिन हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि हमें दोनों साइड की भुजाएं भी तो चाहिए। तो कोण ए को मैं कैसे लिखूंगी? बी ए डी कोण, कोण बी को कोण सी बी ए, उसके बाद में कोण डी, तो कोण डी, कोण सी डी और ए, और उसके बाद ए हो गया, बी हो गया, सी, हाँ सी नहीं हुआ, तो कोण बी सी और डी हो गए चारों कोण। तो कोण के साथ साथ हमें जो किस भुजा से स्टार्ट हो रहा है ये भी हमको लिखना जरूरी है। जैसे देखो, हमको सिर्फ कोण ए के बारे में बात करते हैं, कोण ये वाला है तो इसमें कौन सी भुजा हो रही है? एक तो ए डी और एक बी सी। तो जब मैं कोण ए के बारे में लिखूंगी तो मैं कहूंगी कोण ए डी बी, डी ए और बी, ये है कोण ए। तो ऐसे ही मैं चारों कोणों के नाम लिखूंगी, तो मैं इसको लिख सकती हूँ डी ए बी, ए बी सी, बी सी डी और सी डी ए, जिसमें ए बी सी और डी हो गए चारों कोण कवर, है ना। नेक्स्ट, सेकंड क्वेश्चन। संलग्न आकृति में वो बिंदु लिखिए जो, अब देखो ये आकृति हमको देखनी है, इसमें देखो ये कोई कोण बन रहे हैं, दो रेखाखंड है ओ एफ, ओ डी और ओ बी ई, ऐसे कोई आकृति बनी हुई है। तो अब हम इसको, अब हमको इसमें क्या बताना है? फर्स्ट डी ओ ई, डी ओ ई इसके अभ्यंतर में स्थित है। अब बिंदु के नाम बताने हैं जो डी ओ ई के अभ्यंतर में स्थित है। अब इसके अंदर कौन सा बिंदु स्थित है, आपको कौन सा दिख रहा है? ए। तो कौन सा बिंदु स्थित है? ए। अब सेकंड, बी पार्ट, ई ओ और एफ इसके बहिर्भाग में कौन सा बिंदु स्थित है? अब देखो, अंतः यानी अंदर की साइड में और बहि यानी बाहर के साइड में, तो इस एंगल के बीच बाहर कौन सा बिंदु है? एक तो बिंदु सी है और बिंदु ई भी, ए भी है और बिंदु डी भी है, तो हम कोई से भी बिंदु का नाम लिख सकते हैं। तो मैंने लिखा ए सी और डी, तीन बिंदु हो गए। अब ई ओ एफ, अब देखो ई ओ एफ है कहाँ, पहले देखें ई ओ और एफ पर स्थित बिंदु। अब ई ओ और एफ इसके ऊपर कौन सा बिंदु स्थित है? तो इसके ऊपर एक तो बी बिंदु है ना, और ओ बिंदु भी स्थित है, ई बिंदु भी स्थित है और एफ बिंदु भी स्थित है, तो इस एंगल पर ये सारे बिंदु स्थित है, तो मैं बोलूंगी कि मेरा बिंदु बी स्थित है इस पर। थर्ड क्वेश्चन, अब दो कोणों की रफ आकृति खींचिए। इसमें हमें दो कोणों की रफ आकृति खींचनी है,
दो कोण हमको बनाने हैं जिसमें एक बिंदु उभयनिष्ठ हो। जैसे दो कोण हमको साथ में बनाने हैं, पहला कोण और दूसरा कोण, उसमें हमको एक बिंदु उभयनिष्ठ बनाना है। मतलब जो उभयनिष्ठ रेखा है ना उस पर एक कोई बिंदु उभयनिष्ठ बना दो। तो हम ऐसे बना सकते हैं, ये कोई एक एंगल और ये सेकंड एंगल, फर्स्ट एंड सेकंड, पहला और दूसरा, और इस पर एक बिंदु बना दिया मैंने बी, तो वो उभयनिष्ठ है दोनों में, ठीक है। नेक्स्ट, उनमें दो बिंदु उभयनिष्ठ हो, पहले तो हमने एक बनाया, अब हमें दो बिंदु चाहिए, तो सेम इमेज को भी मैं एक और कोई बिंदु ले लूं, दो बिंदु उभयनिष्ठ कर सकती हूं। यहां पे मैंने कोई बिंदु बना लिया ए बी सी डी बिंदु बना लिया, तो दो बिंदु कौन कौन से हो गए, ओ और ए भी, बी भी हो सकते हैं। देखो ओ भी उभयनिष्ठ बिंदु है, डी भी उभयनिष्ठ बिंदु हो सकता है और बी भी हो सकता है, तो मैं से कोई से भी दो बिंदु कहीं पे भी बना सकती हूँ मैं। थर्ड, उनमें तीन बिंदु उभयनिष्ठ हो, अब मुझे करना है तीन बिंदु वाला, तो तीन कर लिए मैंने, जैसे ये कोई दो एंगल है, ये कोई एक कोण और दूसरा ये वाला कोण, तो इसमें पॉइंट कौन कौन से हो गए, देखो ध्यान से देखो, बी पॉइंट बिंदु, ई बिंदु और ओ बिंदु, तो आप चाहो तो यहाँ पे कोई एक बिंदु डी भी ले सकते हैं, कोई सा भी ले सकते हैं, आपको दो बिंदु बनाने और उनका नामांकन करना है। ये चीज़ आप भूल मत जाना, नामांकन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपने बिंदु बना दिया और उसको नाम नहीं दिया तो आपको पता कैसे चलेगा कि वो कौन सा बिंदु की बात कर रहे हैं हम, तो उसको नाम देना बहुत ज़रूरी है। तो इसको हमने दे दिया डी, तो देन उसके बाद में आप लिख सकते हो कि ओ भी है, ई भी है और बी भी है, डी, अब हमें तीन बिंदु बनाने हैं, तो आप भले उसी इमेज में भी बना सकते हो और नया इमेज भी खींच सकते हैं। तो जैसे ये मैंने कोई दो एंगल बनाए, दो कोण बनाए, ये कोई एक कोण है, ये दूसरा कोण है, अब इसमें चार बिंदु कॉमन है, पहला बी, दूसरा डी, तीसरा ई और चौथा ओ, हो गए चार, क्योंकि कोण दो होने चाहिए और उनके बीच में उभयनिष्ठ होने चाहिए चार, तो दो कोण तो हो गए, पहला कोण और दूसरा कोण, और उनके बीच में चार बिंदु उभयनिष्ठ हो गए, बी डी ई और ओ, जो चार बिंदु हैं दोनों कोणों के बीच में। नेक्स्ट, उनमें एक किरण उभयनिष्ठ हो, अब हमको एक किरण उभयनिष्ठ करनी है, तो जैसे मैंने कोई ये कोई एंगल खींचा ए ओ बी और बी ओ सी, पहला एंगल और दूसरा कोण, पहला और दूसरा कोण, उनके बीच में कौन सी किरण उभयनिष्ठ है, देखो ध्यान से देखोगे तो आपको नजर आएगा कौन सी किरण है, ओ बी, कौन सी किरण है, ओ बी उभयनिष्ठ है, और इसको मैं कैसे लिखूंगी, ओ और बी और ये साइन किरण का, ऊपर साइन बनाना बहुत ज़रूरी है कि हमको, हमने इसको कैसे लिखा था, किरण का ये वाला साइन होता है, और रेखा का दोनों तरफ एरो, और रेखा खंड का दोनों तरफ बिंदु, ये तीनों चीज अलग अलग है, ये आप बहुत ध्यान रखिएगा, तो ओ भी इसमें कॉमन है। तो यहाँ हमारी 4.3 खत्म हुई, अब हम आगे स्टार्ट करते हैं त्रिभुज। अब देखो, अभी तो हमने कोण के बारे में पढ़ा, दो रेखाएं अगर आपस में एक दूसरे को काटती है तो ये हमारा कोण बन रहा था, अब अगर दो से अधिक रेखाएं हैं तो अगर ऐसे कुछ काटती है तो ये पूरा त्रिभुज होता है, त्रिभुज मतलब तीन भुजाओं वाला, त्रिभुज जिसमें तीन भुजाएं हो, तो हो गई तीन, तो उससे त्रिभुज का निर्माण होता है, और सबसे कम भुजाओं वाला बहुभुज होता है, क्योंकि दो भुजाओं से कोई बहुभुज का निर्माण नहीं हो सकता, ये हम पढ़ चुके हैं, मिनिमम कम से कम तीन तो होनी ही चाहिए, और त्रिभुज जो है वो सबसे कम भुजाओं वाला बहुभुज है। इस आकृति में देखिए ए बी और सी, तो इसमें भुजाएं कौन कौन सी हो गई, देखो भुजाएं सिर्फ एक लाइन जिसको बोलते थे, कौन कौन सी है, ए बी, सेकंड बी सी और सी ए, देखो भुजाएं कौन कौन सी है, ए बी ए सी और बी सी, हो गई तीन। अब इसमें कोण कौन कौन से हैं, कोण कौन कौन से हैं, अगर आपको मैं वर्बली पूछूं कि कौन कौन से कोण है तो आप कहोगे ए है, बी है और सी है, ये तो है, लेकिन मैंने लिखने का तरीका क्या बताया था, जब मैं कोण ए के बारे में बात करूं तो मैं कहां से शुरू करूंगी, सी ए बी, जिसकी बात कर रहे हैं उसको बीच में लिखूंगी, और दोनों जो साइड वाली भुजाएं हैं उनको दोनों तरफ,
अब मैं बी की बात कर रही हूँ, तो ए बी और सी, इसमें बी की बात हो रही है, अब बचा कौन, सी, तो सी को कैसे लिखूंगी, एंगल ए सी और बी हो गए तीनों, देखो फर्स्ट ए बी और सी, देखो लिखने का तरीका आपको आना चाहिए कि आप कौन से कोण के बारे में बात कर रहे हैं। आप डायरेक्ट एंगल ए भी लिख सकते हैं, लेकिन आपको अच्छे से लिखना है इसको, कैसे, अगर जो जिस कोण के बारे में बात कर रहे हैं उसको बीच में लिखो, इधर सी ए और बी, यानी जो है जो मुख्य कोण है ना वो बीच में आएगा, ये बात ध्यान रखना, तो हो गए। और इसमें बिंदु कौन कौन से हैं, अब देखो, अब बिंदु के बारे में हमने क्या पढ़ा था, एक डॉट बिंदु, ये दिख रहा है, ये भी दिख रहा है और ये भी दिख रहा है, तो कितने हो गए बिंदु ए बी सी, इस त्रिभुज के शीर्ष हैं, ये त्रिभुज के शीर्ष हैं, समझ में आ गया। त्रिभुज में क्या तीन चीजें पढ़ी हमने, पहला अगर त्रिभुज को हम ध्यान से देखें ना, तो इसमें हमको क्या क्या दिख रहा है, तीन तो भुजाएं दिख रही है, ए सी ए बी और बी सी, तीन कोण दिख रहे हैं, कोण ए कोण बी और कोण सी, लिखने का तरीका, कोण ए की बात की तो कोण ए बीच में आएगा, कोण बी ए सी, एंगल ए हो गया, अब ए सी बी और उसके बाद में एंगल बी की बात करेंगे, तो ए बी सी, ऐसे तीनों, और तीन बिंदु हैं, बिंदु कौन कौन से, ए बी और सी, और ये त्रिभुज के शीर्ष कहलाते हैं। त्रिभुज के बारे में समझ में आया अच्छे से, है ना। आगे प्रश्नावली करें तो देखो, अगर आकृति 4.2 को मैं देखूं तो बिंदु P है वो त्रिभुज के अभ्यंतर, अभ्यंतर मतलब अंदर की तरफ, और R जो है वो बाहर की तरफ है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे आप आपके घर में बैठे हैं तो मैं आपको बोलूँगी कि आप अभ्यंतर हैं, और आप अगर घर से बाहर खेल रहे हैं तो मैं कहूँगी आप बहिर्भाग में हैं, बाहर की साइड में हैं, अब समझ में आ गया ना। और अगर मैं बोलूं कि आप बिल्कुल गेट, आपके जो घर की गेट है ना उस पे खड़े हैं, तो आप बिल्कुल उसकी सीमा पर हैं, ये वाला क्यू पॉइंट, तो पी अभ्यंतर, आर बहिर्भाग मतलब बाहर की साइड में, ये आपका घर है और इससे आप अंदर की साइड में हो या बाहर की साइड में हो या उसकी लाइन पे हो, और जो क्यू है वो स्वयं त्रिभुज पर स्थित है, यानी आप बिल्कुल उसकी बाउंड्री में खड़े हैं। ये तीनों में डिफरेंस समझ में आ गया, अभ्यंतर जो अंदर की साइड में है, बहिर्भाग जो बाहर की साइड में है, और उस त्रिभुज के स्वयं पे है यानी उसकी बाउंड्री पे है, तो वो क्यू है। तीनों क्लियर हो गए कॉन्सेप्ट, करें 4.4 फर्स्ट क्वेश्चन। त्रिभुज एबीसी का एक रफ चित्र खींचिए, इस त्रिभुज में अभ्यंतर में एक पी बिंदु अंकित कीजिए और उसके बहिर्भाग में क्यू बिंदु अंकित कीजिए, और ए अभ्यंतर में स्थित है या बहिर्भाग में स्थित है। देखो अब हमको त्रिभुज बनाना है, ए बी सी बनाया हमने, ए बी सी मैंने बना लिया, ये बन गया आपका घर, पी उसके अंतर्भाग में है ये उसने बता दिया, क्यू उसके बाहर वाले भाग में है। अब ये पूछ रहा है कि बिंदु ए इसके अभ्यंतर में स्थित है या बहिर्भाग में स्थित है। देखो न ए जो है वो न तो इसके अंदर स्थित है और न ही बाहर स्थित है, वो तो स्वयं त्रिभुज पर स्थित है, जैसे आपने उदाहरण में देखा था ना, ये वाला आकृति 4.22 में, इसमें जो क्यू पॉइंट था ना वो उसकी बाउंड्री पे था, वो वाली बात हो गई। नेक्स्ट, संलग्न आकृति में त्रिभुजों की पहचान कीजिए, इसमें हमको त्रिभुज बताने हैं। सात कोणों के नाम लिखिए और इसी आकृति में छह रेखाखंडों के नाम लिखिए और किन दो त्रिभुजों में बी उभयनिष्ठ है। देखो इस एक क्वेश्चन में इसने चार क्वेश्चन पूछ लिया, तो एक वन बाय वन चले। फर्स्ट, त्रिभुजों की पहचान कीजिए, इसमें कौन कौन से तीन त्रिभुज है। देखो आपको एक त्रिभुज दिख रहा है लेकिन मैं इसमें तीन त्रिभुज बना के बताऊंगी। देखो वन हो गया, टू और थ्री, ये खुद बड़ा वाला भी तो एक त्रिभुज है। ये देखो, जैसे अगर मैं इस ये त्रिभुज के तीन पार्ट करती हूँ, फर्स्ट सेकंड, तो एक ऐसा कुछ है, दूसरा इसका आधा पार्ट, और तीसरा ये खुद भी तो है पूरा, तो कितने त्रिभुज हो गए, तीन। तो उसको नाम लिख दूंगी मैं ए बी डी, ए बी डी फर्स्ट, फिर सी ए सी बी,
ये पूरा बड़ा वाला ए सी बी, और थर्ड कौन सा वाला है, ये छोटा वाला ए डी सी, ये वाला हो गए तीन त्रिभुज। उसके बाद मुझे क्या करना है, सात कोणों के नाम लिखना है। अब कोण, कोण तो आप कितने भी लिख सकते हो जो इसमें बन रहे हैं। स्टार्ट करूं, देखो मैं आपको हिंट देती हूं, फर्स्ट एक ये कोण, दूसरा ये कोण, तीसरा ये, चौथा, पांचवा, छठा और ये सातवा। हो गए सात कोण। तो अब आप इसको लिखोगे कैसे, वही वाली ट्रिक। कैसे, मुझे बी के बारे में लिखना है तो मैं लिखूंगी ए बी डी, सी के बारे में तो ए सी डी, अगर डी के बारे में लिखना है तो ए डी बी और ए डी सी, और एंगल ए, ए भी तीन हो रहा है, एक तो ये वाला पोर्शन, दूसरा ये वाला पोर्शन और तीसरा ये, दोनों को, दोनों को ज्वाइंट करके भी तो ए एंगल बन रहा है। तो मैं कैसे लिखूंगी इस, अगर मैं इसकी बात करूं तो क्या हो गया, बी ए डी, सेकंड डी ए सी ये वाला एंगल, और थर्ड ये पूरा, तो बी ए सी, हो गए सात एंगल। तो आप खुद से लिखोगे तो आपको सारे एंगल लिखना आ जाएगा, तो लाइन बाय लाइन चलना। तो मैंने लिखे एंगल बी ए सी, एंगल बी बी ए सी, उसके बाद में ए सी बी, फिर सी सी ए डी ये एंगल, उसके बाद में ए डी बी ये वाले, ये सारे एंगल कवर हो गए। ये देखो मैंने बताया ना आपको ऐसे, और सातवां एंगल ये होगा। लिख सकते हो आप खुद से, अब खुद से ट्राई करो आप। नेक्स्ट इसमें हमको क्या लिखना था, सात कोण हो गए, तीन त्रिभुज हो गए, अब हमें छह रेखाखंडों के नाम देना है। देखो रेखाखंड लिखना तो बहुत इजी है, रेखाखंड करें स्टार्ट, ए बी रेखाखंड है, ए सी ये भी रेखाखंड है, ए डी ये भी रेखाखंड है, बी डी ये भी रेखाखंड है, और डी सी ये भी रेखाखंड है, और पूरा बी सी ये भी रेखाखंड है, क्योंकि देखो दो, एक तो ये और एक छोटा वाला, दोनों हो गए, तो हो गए छह रेखाखंड, ए बी ए सी बी सी ए डी बी डी और डी सी, हो गए। नेक्स्ट किन्हीं दो त्रिभुजों में बी उभयनिष्ठ है, मतलब किन दो त्रिभुजों में बी उभयनिष्ठ है। अब बी कहाँ है, ये तो आप देखो, बी किन दो त्रिभुजों में उभयनिष्ठ है, पहला त्रिभुज ये बन रहा है छोटा वाला, इसमें भी उभयनिष्ठ है, दूसरा वाला इसमें, इस पूरे में भी तो उभयनिष्ठ है, तो किन किन में, तो छोटे वाले में और बड़े वाले में, दोनों में उभयनिष्ठ है। तो मैं इसको कैसे लिखूंगी, ए बी डी और ए बी सी दोनों में बी उभयनिष्ठ है। आया समझ में, क्वेश्चन समझ में आया ना 4.2 4.4 के त्रिभुजों के बारे में। आगे स्टार्ट करें, अब हम पढ़ते हैं चतुर्भुज। देखो जो पिछला वाला आपने जो भी पढ़ा है वो आपको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। अगर आपको नहीं समझ में आया है, यहाँ वीडियो को पॉज कीजिए और सारे 4.1, 4.2, 4.3 और 4.4 सारे क्वेश्चन खुद से कीजिए, देन उसके बाद में आगे 4.4 पे जाइए, ओके। क्योंकि जब तक पीछे वाला आप सॉल्व नहीं करोगे आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएंगे कि बिंदु क्या था, रेखा क्या थी, रेखा खंड क्या था, किरण क्या थी, और कोण और त्रिभुज जो भी हमने सारा पढ़ा वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो आगे बढ़े चतुर्भुज। चतुर्भुज नाम से ही क्लियर है, चतुर्भुज मतलब जिसकी चार भुजाएं हैं। ये देखो ए बी सी डी, ये एक चतुर्भुज है। चतुर्भुज में एक तो चार भुजाएं होती है और चार कोण भी होते हैं। देखो अब चार भुजाएं तो आपको दिख रही है, चार भुजाएं दिख रही ए ये वाली, ए बी बी सी सी डी और डी ए, और चार कोण दिख रहे हैं ए डी सी और बी, हो गए, और उसमें चार शीर्ष भी हैं ए बी सी और डी, हो गए समझ में आया। अब देखो ये दो चतुर्भुज दिए हुए हैं हमको, एक तो पी क्यू आर एस जिसकी चार भुजाएं होती है, और पी एस क्यू आर ये चारों हैं। तो इसमें हम आसन्न भुजाओं के युग्म लिख सकते हैं। अब देखो आसन्न भुजाएं क्या होती है, जो पास पास होती है, यूं समझ लो पड़ोसी एक दूसरे की। तो अगर मैं ए बी सी डी की बात करती हूँ, ये कोई त्रिभुज मेरा ए बी सी डी है, तो उसमें ए बी और बी सी, ए बी एंड बी सी आसन्न भुजाएं हैं,
ए बी और बी सी, मतलब एक तरह से समझ लो जो दोनों पड़ोसी पड़ोसी है ना, वो दोनों आसन है। तो इसके और भी अपन पैर लिख सकते हैं। लिखूं सेकंड पैर, मैंने ले लिया बी सी और सी डी। थर्ड पैर डी ए और ए बी। फोर्थ पैर, ऐसे लेके आप कोई से भी पैर लिख सकते हो जो आपस में पास पास में हो। सम्मुख भुजाएं, सम्मुख यानी अपोजिट साइड में। जैसे आपको मैं बताऊं, मैं आपको बोलूं कि आपके पड़ोस में घर किसका है, तो वो आपका आसन्न भुजा हो गई। और आपके सामने घर किसका है, तो वो आपके कौन हो गए, सम्मुख भुजाएं। आ गया डिफरेंस समझ में? जो पास में है वो तो आसन्न, और जो सामने है वो सम्मुख। तो देखो ए बी और सी डी हो गए ना सामने के पड़ोसी, तो ये सम्मुख है, जिसको अपोजिट साइड्स भी बोलते हैं। और अगर यही, ये तो साइड की बात थी, भुजा की बात, अब मैं कोणों की बात करती हूँ। ए और सी, ए और सी सम्मुख कोण यानी अपोजिट साइड में, वही अपोजिट वाली बात। ए आपके सामने कोई आपका फ्रेंड रहता है बिल्कुल अपोजिट साइड में, सामने वाले घर में, तो वो आपका कौन हो गया, सम्मुख कोण हो गया। याद हो गया, अब भूलोगे तो नहीं ना। फिर और डी का अपोजिट बी, यानी जो अपोजिट साइड में रहता है, आपके सामने रहता है जस्ट रोड के उस पार। तो हाँ, अब एडजेसेंट यानी आसन्न कोण। अब आसन्न कोण यानी कौन था, पड़ोसी पड़ोसी, ये ए और बी हो गए पड़ोसी दोनों। तो देखो भुजाएं भी आसन्न हो सकती है और कोण भी आसन्न हो सकता है। भुजाओं के केस में तो आपको पता है भुजा किसको बोलते हैं, ए बी दो रेखाखंड वाली, तो उसको हम भुजा बोलेंगे। और कोण किसको बोलेंगे, जो एक बिंदु वाला कोण, जिससे कोण बन रहा है। तो आप समझ में आ गया, चार चीजें हमने क्या देखी, एक तो आसन्न भुजाएं, आसन्न भुजाएं, आसन्न भुजाएं कौन सी हो गई, ए बी और सी डी। सम्मुख भुजाएं, ए बी की सम्मुख सी डी, समझ में आ गया। अब हम कोण पढ़ेंगे, बी का आसन्न कोण ए, सी भी हो सकता है, दोनों इसके पड़ोसी हैं। लेकिन अगर मैं बोलूं सम्मुख कौन है, तो बी का सम्मुख डी है, अपोजिट। हो गए क्लियर, दो भुजाएं के बारे में पढ़ा और दो कोणों के बारे में पढ़ा, आसन्न और सम्मुख दोनों। अब प्रश्नावली 4.5 करते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए फर्स्ट, त्रिभुज पी क्यू आर एस का एक रफ चित्र खींचिए, इसमें विकर्ण खींचिए और इनके नाम दीजिए। क्या विकर्णों का प्रतिच्छेदी बिंदु त्रिभुज के अभ्यंतर में स्थित है या बहिर्भाग में स्थित है? हमको एक त्रिभुज खींचना है पी क्यू आर एस, देन उसके बाद में विकर्ण खींचिए और इनके नाम दीजिए। क्या विकर्ण का प्रतिच्छेदित बिंदु त्रिभुज के अभ्यंतर स्थित है या बहिर्भाग में स्थित है? देखो पहले तो मैंने बनाया त्रिभुज, बना दिया पी क्यू आर एस, और विकर्ण यानी जो अपने शीर्ष थे ना, उनसे एक शीर्ष को दूसरे शीर्ष को से मिलाना, जो अपोजिट जो एंगल थे ना आमने सामने के सम्मुख कोण, उसको। तो एक एंगल मैंने ये खींचा और दूसरा ये वाला खींचा, तो अब ये जहाँ पे मिल रहे हैं वो उसके त्रिभुज के अंदर है चतुर्भुज के या बाहर की साइड में? ऑब्वियसली अंदर दिख रहा है, बाहर तो है नहीं, तो कहाँ होगा, अंदर की साइड में। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड, त्रिभुज के एल एम एन का रफ चित्र बताइए, उसमें क्या बताने, सम्मुख भुजाओं के युग्म, सम्मुख कोणों के युग्म, आसन्न भुजाओं के युग्म और आसन्न कोणों के युग्म। चार चीजें हमने देखी थी ना, ये मैंने कोई चतुर्भुज बना लिया के एन एम एल। अब मुझे इसमें बताने हैं, पहले सम्मुख लेके चलूं अपोजिट वाले, सबसे पहले भुजाएं लेके चलते हैं। तो के एल के सम्मुख भुजा एम एन, के एन के सम्मुख भुजा एम एल, इसके ये सम्मुख है और इसके ये वाली सम्मुख है, समझ में आ गया। अब सम्मुख कोण के बारे में बात करते हैं, तो के का सम्मुख कोण M और L का सम्मुख कोण N, आ गया समझ में। अब मुझे आसन्न की बात करते हैं, आसन यानी पास वाला पड़ोसी, याद आया आसन्न, तो एल एम की आसन्न भुजा एम एन और के एल की आसन्न भुजा के एन, आ गया समझ में। अब ये तो थी भुजाओं की बात, अब मैं कोण पे आती हूँ, कोण K का आसन्न कोण N और इसका L भी है, और M का आसन्न कोण कौन है, L और N दोनों है, ये हम आसन्न कोण बता सकते हैं। ऐसे मैंने सारे लिख लिए, K का L और M का N,
के का एल और एल का एम, ये दोनों आपस में आसन है, जैसे के का एल भी है और एन भी है, और एम का एल भी है और एन भी है, ऐसे हम आसन निकाल सकते हैं। आगे करें, देखो आगे वाला बहुत अच्छा टॉपिक है और लास्ट टॉपिक है अपने चैप्टर का, इसलिए पूरे एनर्जेटिक होके पढ़ लो। लास्ट टॉपिक बहुत अच्छा टॉपिक है, व्रत। इसमें आपको बहुत अच्छी चीज़ें सीखने को मिलेगी, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक व्रत। व्रत यानी गोला। व्रत के एग्जाम्पल दे सकते हो आप? बॉल है, चूड़ी है, अपनी पृथ्वी भी गोल है, कोई भी गोल चीज़ उसको हम व्रत बोलते हैं, अपनी बॉल। आप अपने पर्यावरण में अनेक वस्तुएं पाएंगे जो गोल होती है, जैसे पहिया, चूड़ी, सिक्का। हम गोल आकृतियों की अनेक प्रकार से प्रयोग करते हैं। एक भारी इस्पात की ट्यूबलाइट को खींचने की अपेक्षा ढुलकाना सरल होता है। सही है, व्रत एक सरल बंद वक्र है जो बहुभुज नहीं है। यस, हमने पहले पढ़ा था ना, बहुभुज में क्या होता है, भुजाएं होनी चाहिए, यानी ये भी कभी ऐसे राउंड शेप में, कर्व शेप में नहीं आना चाहिए वक्र। लेकिन अपन ने एक क्वेश्चन किया था ना, जिसमें ऐसे बहुभुज का नाम बताओ जो बंद भी हो और बहुभुज ना हो, मतलब ऐसे वक्र का जो बंद वक्र हो लेकिन बहुभुज ना हो, तो ये एग्जाम्पल है ना, बंद भी है और बहुभुज नहीं है, तो ये इसका एग्जाम्पल है। अब ये कुछ वक्र व्रत के भाग बताएं। देखो अब जैसे मैंने ये बनाया व्रत, अब इसके बहुत ध्यान से देखना आप, इसका ये होता है केंद्र, और केंद्र से परिधि पर अगर मैं एक रेखा खींचूं तो वो मेरी होगी त्रिज्या। क्या होगी? त्रिज्या। ये बात बहुत ध्यान से रखना। तो देखो संलग्न आकृति 4.24 में एक केंद्र वृत्त का सी है। देखो मैं आपको समझाती जाती हूँ, बहुत ध्यान से सुनना ये चीज़ें। ये कोई मेरा वृत्त है, अब ये इसका कोई केंद्र बिंदु है। अगर इसको मैं केंद्र को परिधि से मिलाऊं, परिधि यानी जो बाउंड्री है इसकी, वहां से मिलाऊं, तो ये मेरी होगी त्रिज्या। इसको मैं बोलूंगी त्रिज्या, और ये मेरा केंद्र, भूल मत जाना। अगला, हाँ, ए पी बी एम वृत्त पर स्थित कुछ बिंदु हैं। आप देखेंगे कि सी ए, सी बी, सी पी और सी एम हमेशा बराबर होंगे। देखो जैसे अगर कोई केंद्र है, अगर आप केंद्र से कोई बिंदु परिधि पर खींचो, कोई भी बिंदु लो, तो एक चीज़ आपको पता, इंटरेस्टिंग पता चलेगी कि इन सब की दूरी समान है, सब की बिल्कुल सेम होती है। देखो आप एक एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हो, जैसे आप एक कोई पिन या कुछ ले लीजिए और उसके धागा कीजिए, पिन को फिक्स कर लीजिए और उस धागे को चारों तरफ घुमाइए, तो आप ये देखेंगे कि पूरा सर्कल बन जाता है, और जो इनके बीच की दूरी है ना हर जगह वो बिल्कुल सेम होगी। तो इसका मतलब जो केंद्र से परिधि पर जो दूरी है ना वो हमेशा सेम रहेगी, व्रत की एक कंडीशन रहती है, इसकी प्रॉपर्टी है। तो हमेशा यानी केंद्र से अगर मैं परिधि पर चाप खींचूँ तो हमेशा सेम होगा, ये देखो यहाँ से ये सारी बिल्कुल सेम आएगी, इनकी लेंथ, इनकी लंबाई बिल्कुल सेम होगी। तो ये इसकी त्रिज्या है। त्रिज्या वह रेखाखंड है जो व्रत पर स्थित बिंदु को उसके केंद्र से जोड़ता है, मतलब व्रत पर कोई स्थित बिंदु है तो उसको केंद्र से मिलाने का काम करता है। नेक्स्ट, आकृति सीपी, आकृति में सीपी और सीएम ऐसी त्रिज्या है जो बिंदु पी सी एम एक ही रेखा में है, पी सी और एम ये एक ही रेखा में, मतलब मैं दो त्रिज्या भी खींच सकती हूँ, एक सीधी डायरेक्शन में और एक डायरेक्शन में। अब रेखाखंड पी एम व्रत का एक व्यास कहलाता है। देखो ये कोई मैंने ये कोई त्रिज्या खींची थी, अगर इस त्रिज्या को इधर भी मैं मिला दूं और इस साइड में मैं मिला दूं, यानी ऐसी लाइन जो मेरे केंद्र से होके गुजरती है, ऐसे नहीं कि आप यहाँ से खींच दो, नहीं, वो मेरी केंद्र से गुजरेगी, तो ये मेरा क्या कहलाएगा? व्यास। समझ में आ रहा है? जो पूरा केंद्र से होके गुजरे बिल्कुल एग्जैक्ट, तो वो मेरा व्यास कहलाएगा। तो इसमें व्यास हो गया, पीएम भी व्यास है और ये वाली लाइन भी व्यास है जो पूरी उसके केंद्र से बराबर एग्जैक्ट बीच में होके जा रही है। क्या वृत्त का व्यास उसकी त्रिज्या का दोगुना है? बिल्कुल है। देखो AC और ये वाली लाइन, या PC और CM, ये दोनों इक्वल है,
तो एक तरह से मैं कह सकती हूँ कि अगर त्रिज्या को मैं डबल करूँ ना तो मेरा व्यास आ जाएगा। अब वृत्त पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड वृत्त की जीवा कहलाती है। वृत्त पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का, अब जैसे ही देखो वृत्त पर कोई दो बिंदु ये थे ए और पी, अगर मैंने इन दोनों को ऐसे मिला दिया बाउंड्री बाउंड्री पे ही, तो वो क्या हो गई मेरी जीवा। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, देखो फर्स्ट केंद्र, केंद्र से परिधि पर अगर मैं रेखा खींचती हूं तो वो मेरी थी त्रिज्या, और अगर दो त्रिज्याएं अपोजिट डायरेक्शन में हैं बिल्कुल जो केंद्र से होकर गुजरी तो वो मेरा क्या व्यास। उसके बाद में हमने पढ़ा जीवा, दो केंद्र पर ही दो बिंदु हैं तो उनको आपस में हमें जैसे कर्व शेप में मिलाएंगे ना तो वो उसका जीवा हो जाएगी। और उसके बाद में हाँ वृत्त का एक भाग को उसका चाप कहते हैं, ये जैसे है ना ये, इसको पीबी को इसका चाप भी कहते हैं, ये वाला आर्क जिसको इंग्लिश में कहते हैं। पी क्यू वृत्त पर स्थित बिंदु है, आपको चाप पी क्यू प्राप्त करना होगा, इसे हम पी क्यू ऐसे हम लिखते हैं पी और क्यू और ऊपर राउंड लाइन ऐसे, तो इसको हम चाप बोलेंगे। अब किसी सरल बंद वक्र की तरह ही आप एक वृत्त के अभ्यंतर और बहिर्भाग के बारे में सोच सकते हैं, जैसे यहाँ कोई बिंदु है तो वो अंतर्भाग में होगा और अगर बाहर मैंने कोई बिंदु ले लिया तो वो उसके बहिर्भाग में होगा, तो ये हम सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो अब इसमें अगर दो, ये मैंने कोई मेरा सर्कल था, इसमें ये मेरा केंद्र था, अब एक त्रिज्या मैंने ऐसी खींची और दूसरी मैंने ऐसी खींची, तो ये वाला जो पूरा पोर्शन हो गया ना अगर मैं इसको कलर कर दूं ये, तो ये मेरा त्रिज्यखंड कहलाएगा। क्या कहलाएगा? त्रिज्यखंड। और अगर मैं कोई छोटी लाइन खींचूं और उसको अगर मैं ये कलर्ड पार्ट देखूं ना मैं, तो ये मेरा वृत्तखंड कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वृत्तखंड। समझ में आ गया? और ये वाली जो लाइन है वो मेरी परिधि कहलाएगी। हो गए क्लियर? देखो मैं आपको वापस रिवीजन करवा देती हूं। सबसे पहला मेरा ये कोई वृत्त था, उसमें ये मेरा केंद्र है, अगर केंद्र से मैं परिधि पर एक लाइन खींचू तो ये मेरी थी त्रिज्या, अगर इसको इधर भी मिला दो तो ये पूरी लंबाई मेरी हो जाएगी व्यास। त्रिज्या और व्यास में डिफरेंस समझ में आ गया? और त्रिज्या व्यास की आधी होती है या फिर व्यास त्रिज्या का दो गुना होता है। उसके बाद में अगर मैं यहां से भी एक कोई लाइन दो त्रिज्यखंड खींचूं तो ये जो कलर्ड लाइन है ना ये पूरा ये मेरा त्रिज्यखंड कहलाता है, और अगर मैंने कोई एक नॉर्मल लाइन खींची है तो ये मेरी वृत्तखंड कहलाता है। ये वाला ये जो पोर्शन था ना अपना, ये इसको मैं बोलती हूँ ये वृत्तखंड, और अगर इस पे कोई एक बिंदु और ले लिया तो ये वाली जीवा कहलाती है, ये जो राउंड भाग है ना, तो इसको मैं कैसे लिखती थी पी और क्यू और उसके ऊपर राउंड लाइन, हो गया। और जो ये पूरी जो सर्कल भाग हमने यहाँ से यहाँ तक स्टार्ट किया ना वो इसकी परिधि है, तो वो क्या कहलाती है? सर्कमफेरेंस। ठीक है, करें प्रश्नावली 4.6। चलो फर्स्ट, चलो अब बताते जाना फटाफट क्योंकि अच्छे अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं। फर्स्ट सलग आकृति देखकर लिखिए पहला वृत्त का केंद्र। अब इसमें आपको वृत्त का केंद्र कौन दिख रहा है, कौन दिख रहा है? बिल्कुल जो सेंटर में हो, मुझे तो ओ दिख रहा है, आपको क्या दिख रहा है? नेक्स्ट तीन त्रिज्याएं लिखनी है, त्रिज्याएं जो बीच भाग से उसकी परिधि पर खींची जाए, कोई सी भी आप लिख सकते हो, मैंने लिखी ओ सी ओ बी और ओ ए, लिख दी तीन। एक व्यास, व्यास जो दो त्रिज्याओं के मिलाने पर मतलब जो उसके बिल्कुल मिड पॉइंट से निकलेगा, ये देखो तो ये क्या हो गया ए सी। एक जीवा, अब जीवा कौन सी है, कोई सी भी लिख सकते हो आप, मैंने लिखी ए बी तो मैंने लिखा जीवा को ए बी और उसके ऊपर राउंड। अब अभ्यंतर में दो बिंदु, ऐसे बिंदु दो बताने जो इसके अभ्यंतर में हो, तो इसके अभ्यंतर में कौन दिख रहा है मुझे, एक तो ओ दिख रहा है और पी भी दिख रहा है क्योंकि अंदर भाग में लिखना है मुझे। अब मुझे बहिर्भाग में बिंदु लिखना है तो बाहर कौन है भाई, क्यू, लिख दो मैं क्यू। अब एक त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड हमने क्या पढ़ा था याद करो, ये वाला पोर्शन जो दो त्रिज्याओं को मिलाते हैं ना तो उसके बीच वाला जो
ये पोर्शन मिलता है कलर्ड, वो मेरा त्रिज खंड था। और एक वृत्त खंड क्या था, अगर मैं छोटी सी लाइन खींचूं तो इसके बाद में जो ये छायांकित प्रदेश है क्षेत्र, ये वाला, ये मेरा था त्रिज खंड। तो इसको मैं लिखूंगी ईडी, और त्रिज खंड ए ओ और बी, ये हो गए ए ओ बी। तो इसको मैंने सॉल्व किया। सेकंड क्वेश्चन आ गया समझ में? देखो आप एक बार वापस रिवाइज करोगे ना तो आपको सारी चीजें याद हो जाएगी, केंद्र किसको कहा, जीवा किसको कहा, फिर उसके बाद में व्यास, त्रिज्या, त्रिज्यखंड, और ये सारी चीजें आप बार बार रिवीजन करोगे ना तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी, क्योंकि इसमें आपको समझना पड़ेगा सारी। और एक बार अगर समझ में आ गया तो फ्यूचर में आप कभी नहीं भूलोगे, क्योंकि ये चीजें आपके आगे कंपटीशन एग्जाम में भी काम आने वाली है। सेकंड, क्या एक व्रत का प्रत्येक व्यास उसकी एक जीवा भी है क्या? देखो किसी व्रत का व्यास उसकी एक जीवा भी है, हाँ उसकी सबसे लंबी जीवा है ये, इसको हम जीवा भी बोल सकते हैं। तो इसकी वो सबसे लंबी जीवा है ये, देखो ये वाली, तो इसको हम एक सबसे लंबी जीवा कह सकते हैं। हाँ छोटी जीवा ये है, ये और छोटी हो सकती है ये, लेकिन व्यास जो है वो सबसे लंबी जीवा है। नेक्स्ट, क्या व्रत का प्रत्येक जीवा उसकी एक व्यास भी होती है क्या? प्रत्येक जीवा उसकी व्यास होती है क्या? देखो इस पे मैंने जीवाएं खींची, एक ये इसकी व्यास है क्या? नहीं, व्यास की कंडीशन होती है कि वो उसके केंद्र से जानी चाहिए, केंद्र से गुजरनी चाहिए। देखो ये भी व्यास बना सकती हूँ, ये भी व्यास बना सकती हूँ, कितने व्यास खींच सकती हूँ, पर वो केंद्र से गुजरनी चाहिए लाइन, ये बात आप हमेशा ध्यान रखना। तो उसकी प्रत्येक जीवा, ये जीवा मैंने बनाई तो वो व्यास है क्या? नहीं, क्योंकि जीवा तो आप कहीं से भी निकाल सकते हो, लेकिन व्यास केंद्र से जाता है, ये बात ध्यान रखना कि जीवा और व्यास में क्या डिफरेंस है। कोई व्रत खींचिए और निम्न को अंकित कीजिए। हमें कोई व्रत खींचना है और उसमें ये सारी चीजें आप देखो, पहले हमको चित्र बना के डायग्राम बना के दे दिया था और हमको पूछा था कि इसमें केंद्र बताओ, त्रिज्या बताओ। अब हमको व्रत खुद से बनाना है और हमको मेंशन करते जाना है कि उसका केंद्र क्या होगा। मैंने ये डायग्राम बना दिया, ये मैंने कोई सर्कल बनाया, ये उसकी त्रिज्या बनाई, दो त्रिज्याएं बना ली, और ये ए बी इसका व्यास है और डी इसका जीवा है, ये कोई हमने, और एफ कोई बिंदु मैंने बाहर ले लिया। करें स्टार्ट, चलो फर्स्ट उसका केंद्र, केंद्र क्या दिख रहा है आपको? ओ, उसका केंद्र क्या हो गया? ओ। नेक्स्ट उसका एक व्रतखंड, उसका व्रतखंड क्या है? जो ये देखो, ये कोई ये वाला पोर्शन में देखूं तो ये व्रतखंड है ना जो अपन ने पढ़ा था, ये वाला, तो ये क्या हो गया? व्रतखंड। नेक्स्ट एक त्रिज्या, त्रिज्या आप कुछ भी लिख सकते हो, मैंने लिखी एओ, ओसी, ओबी, कोई सी भी इसकी त्रिज्या लिख सकते हो। नेक्स्ट उसके अभ्यंतर एक बिंदु, यानी वो एक बिंदु उसके अंदर की साइड में होना चाहिए, तो मेरा बिंदु हो गया ओ, तो मैंने लिख दिया ओ, उसके अंदर की साइड में बिंदु है ओ। उसके बाद में एक व्यास, व्यास यानी जो सेंटर से होके निकलता है, तो व्यास मैंने बता दिया ए बी। उसके बाद उसके बही भाग में स्थित एक बिंदु, मैंने एक बिंदु F इसीलिए लिया था जो उसके बाहर भाग में स्थित है, तो कौन सा बिंदु हो गया? F। उसके बाद एक त्रिज्यखंड, अब त्रिज्यखंड हम क्या पढ़ रहे थे, जो दो त्रिज्याएं हैं उसको अगर मैं मिला दूं तो ये जो वाला कलर्ड पार्ट है वो मेरा त्रिज्यखंड कहलाता था, ये वाला है ना जो कलर्ड पार्ट दिख रहा है आपको, यानी ए ओ सी, ओ ए सी, ओ ए और सी, ये वाला पार्ट। नेक्स्ट एक चाप, चाप आप कैसे निकालोगे? चाप आप कोई सा भी बता सकते हो, तो मैंने बताया ये चाप एसी, ऐसे, तो आप इसको कैसे लिखोगे? चाप एसी, ऐसे, चाप का साइन हो गया। लास्ट क्वेश्चन, सत्य और असत्य बताना है, व्रत के दो व्यास अवश्य ही प्रतिच्छेदित करेंगे। कोई व्रत है उसके दो व्यास आपस में प्रतिच्छेदित करेंगे, पहला व्यास और दूसरा व्यास,
ऑब्वियसली करेंगे, हमेशा करेंगे, ध्यान रखना, क्योंकि वो हर व्यास केंद्र से होके जाएगा और जब केंद्र से होके जाएगा तो आपस में कट करेंगे, प्रतिच्छेदित करेंगे, तो हमेशा करेंगे। हाँ बिल्कुल, यस। व्रत का केंद्र सदैव उसके अभ्यंतर में स्थित होगा। चलो ये क्वेश्चन आपके लिए, व्रत का केंद्र यानी ये सर्कल कोई था मेरा और उसका केंद्र उसके अभ्यंतर होगा कि वही भाग में होगा? कहाँ था? ऑब्वियसली अंदर ही तो था हमेशा, तो उसके हमेशा अंदर वाले पार्ट में होगा। तो ये वाला चैप्टर हमारा फिनिश हो गया। उसके बाद में चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट। अब देखो इसमें आज हमने बहुत सारी नई चीजें पढ़ी है, तो आपको सारे जो भी हमने व्रत त्रिभुज कोण सब के बारे में आपको रिवीजन करना है, क्योंकि अभी आपको समझ में आ गया है, लेकिन जब तक आप क्वेश्चन खुद से नहीं करोगे ना तो ये सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में नहीं आएंगे। तो आप ये सारे क्वेश्चन आज वीडियो देखने के बाद खुद से करना, सारे एक बार दो बार तीन बार, जब तक आपको समझ में ना आए, और नहीं समझ में आता तो फिर से वीडियो देखिए। ओके ओके बच्चों।